देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक घमासान तेज है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एक एक सीट के लिए फाइट है और इसी कड़ी में बिहार की सारण लोकसभा सीट भी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट की कैटेगरी में शुमार हो चुकी है। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दो बार के विनिंग कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी को तीसरी बार मैदान में उतारा है। तो आरजेडी का गढ़ मानी जाने वाली सीट पर लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को उतारकर मुकाबला बेहद दिलचस्प कर दिया है। सारण सीट के दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत पक्की करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, जनता के बीच पहुंच चुके हैं और इस बार के चुनाव में जनता रोहिणी और रूडी में से किसकी सुनेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। सारण में रूडी वर्सेस रोहिणी, अब जनता किसकी सुनेगी? लालू की बेटी करेगी कमाल या रूडी को फिर मिलेगी कमाल? किसकी जीत किसकी हार, सारण का मुकाबला अरपा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि और भिखारी ठाकुर की कर्मभूमि सारण, सारण लोकसभा सीट को राजनीतिक रूप से बिहार की सबसे अहम लोकसभा सीटों में से एक माना जाता है। बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में एक सारण में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में लगातार सीधी टक्कर होती रही और इस बार के लोकसभा चुनाव में यह मुकाबला और टफ हो चुका है। सारण सीट से बीजेपी ने जहां एक बार फिर राजीव प्रताप रूढ़ी पर भरोसा जताया है, तो आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूढ़ी को चैलेंज कर रही। यूं तो सारण लोकसभा क्षेत्र लालू प्रसाद यादव के परिवार का घर माना जाता है, लेकिन इस लोकसभा सीट से न केवल लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके समधी चंद्रिका राय की भी हार हुई है। अब मैदान में रोहिणी आचार्य है और सामने राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, जिनकी चाहत हैट्रिक लगाने की है। बिहार के सारण लोकसभा सीट को भले ही आरजेडी का गढ़ माना जाता हो, लेकिन पिछले दो लोकसभा चुनाव से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने जीत का डंका बजाया। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने रूढ़ी के खिलाफ अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतार कर मास्टर स्ट्रोक खेला है और राजीव प्रताप रूढ़ी को जीत के हैट्रिक से रोकने के लिए रोहिणी आचार्य ने भी चुनावी प्रचार का जोरदार आगाज कर दिया। चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले घर के मंदिर में ही रोहिणी आचार्य ने पहले भगवान भोले का आशीर्वाद लिया। भले ही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को अभी तक पार्टी के तरफ से सिंबल नहीं मिला है, उसके बावजूद रोहिणी आचार्य जो है वो सारण के चुनावी यात्रा पर निकल चुकी है। आप देख सकते हैं रोहिणी आचार्य के जो गाड़ी के काफिला हैं वो लालू आवास से यानी लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास से निकल रही है और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे सारण लोकसभा क्षेत्र में रोहिणी आचार्य जो हैं वो रोड शो करेंगी, लोगों से मिलेगी और आज उनका पहला चुनावी यात्रा है जिसमें वो निकल चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि सारण लोकसभा क्षेत्र में उनकी जो लड़ाई है वो बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी से है। तो निश्चित तौर पर अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जीत किसकी होती है। राबड़ी आवास से सारण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले रोहिणी आचार्य ने कहा कि वो जनता का प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए ही निकल रही। हम तो बहुत प्राउड हैं कि हम लालू यादव की बेटी हैं, राबड़ी देवी की बेटी हैं। अब बाकी लोगों का तो कोई परिवार है ही नहीं। आशीर्वाद दी अपन बेटी बहन गए, आप बनी रहिएगा तो हम भी बने रहेंगे। हाँ, स्वस्थ रहिए। हम और वो लोग थोड़ी डिसाइड करने वाले, तो ऐसा बात करें कि जैसे पूरा ईवीएम अभी से हैक कर लिए हैं कि 400 पार हो जाएगा, तो जनता जनार्दन ना जिताएगी या हराएगी। जी प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे बेटी के आशीर्वाद। हम लोग हमेशा पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, नेगेटिविटी हम लोग नहीं पालते हैं, ना ही माहौल को खराब करते हैं। तो हम लोग बहुत आश्वस्त हैं, हम लोग बहुत बहुत जनता, बिहार की जनता पे पूरा भरोसा है कि वो लोग हमें जिताएंगे और अपना भरपूर आशीर्वाद देंगे। चल भाग्य। मंगलवार को पहली बार चुनाव प्रचार के लिए निकली रोहिणी आचार्य ने सोनपुर से नया गांव होते हुए दिघवारा में गरखा तक रोड शो किया।
रोहिणी आचार्य के रोड शो में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थानीय महिलाओं ने रोहिणी का जोरदार स्वागत किया। रोहिणी का काफिला जहां जहां से गुजरा, लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। रोहिणी आचार्य निकल चुकी है अपनी पहली चुनावी यात्रा पर। आप देख सकते हैं कैसे सोनपुर विधानसभा की जो जनता है उनका स्वागत कर रही है। ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर जनता काफी संख्या में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है जो रोहिणी आचार्य का स्वागत कर रही हैं। कौन है ये? ये मेरी फुआ है, मैं गणेश राय की पोती हूँ। तो आप लोग आशीर्वाद देने गई थी? मिलने गई थी, वो हमको आशीर्वाद देंगी ना। तो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, जीतेंगी? हाँ, जीतेंगी। देखिए रोहिणी आचार्य जो है वो निकल उतर चुकी है गाड़ी पर और लगातार अभिनंदन स्वीकार कर रही है। महिलाओं में एक गजब का जो उत्साह है वह देखा जा रहा है। तो अपने पहली चुनावी यात्रा पर रोहिणी आचार्य और लोगों के घर भी जा रही है। तो आप सीधे तौर पर देख रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जो है वो महिलाओं के साथ मुलाकात कर रही है। जो बुजुर्ग महिला हैं उनका वो पैर छूकर आशीर्वाद ले रही हैं और कुछ जो महिलाएं हैं उसे गले भी मिल रही हैं। तो आशीर्वाद लेने के लिए रोहिणी आचार्य निकल चुकी है सारण लोकसभा क्षेत्र की जनता से। और कुछ ही दिनों के बाद रोहिणी आचार्य जो है वो अपना नॉमिनेशन फाइल भी करेंगी। सारण में मेगा रोड शो के दौरान रोहिणी आचार्य ने न्यूज 24 से खास बातचीत की। जनता के प्यार और आशीर्वाद से गदगद रोहिणी ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने मायके आ गई। रोहिणी आचार्य ने हुंकार भरते हुए कहा कि वो सिंगापुर से अकेले ही विरोधियों के नाक में दम कर रखी थी और अब वो सारण में हैं। यही वजह है कि उन्हें जनता का इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी इस वक्त हमारे साथ है, रोहिणी आचार्य। मैम ये बताइए, पूरा दिन आपने रोड शो किया, कैसा माहौल दिख रहा है सारण में? सारण में पूरा सारण की जनता एकदम भक्ति में बेटी का स्वागत में खड़ी है। अब बेटी भी पूरे दिल से सारण की जनता को गले लगा रही है। आपका अंदाज भी बिल्कुल लालू प्रसाद यादव से मिलता है। आप पैर छू रही हैं जो बुजुर्ग महिला है उनका आशीर्वाद ले रही है। ये मेरे संस्कार में, अपने से बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लेना, छोटों को प्यार देना है, ये मेरे संस्कार में। आपके सामने राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, उनका इस बार हैट्रिक है, मतलब दो बार वो जीत गए, तीसरा बार। तो जनता का सपोर्ट आप देख रहे हैं इस बार, जनता भारत की जनता, बिहार की जनता और सारण की जनता अपनी बेटी को चुनेगी। बिहार में मेरी जनता की जीत होगी इस बार। जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि सारण की जनता इस बार अपनी बेटी को आशीर्वाद के रूप ही जरूर देगी। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों में दूसरी संतान है। बचपन में ही रोहिणी के नाम के आगे आचार्य लगा दिया गया था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रोहिणी जमशेदपुर के एक मेडिकल कॉलेज से MBBS भी उन्होंने किया। हालांकि बताया जाता है कि रोहिणी ने कभी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं की। रोहिणी आचार्य की शादी 24 मई 2003 को समरेश सिंह से हुई, जो कि सिंगापुर में IT सेक्टर में नौकरी करते हैं। रोहिणी सबसे ज्यादा तब चर्चा में आई जब 5 दिसंबर 2022 को उन्होंने अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी डोनेट की थी। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। पिता को किडनी डोनेट करने से पहले भी उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। रोहिणी का राजनीति में भी खूब मन लगता है, वो अक्सर राजनीतिक मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट करती रहती है। पिता लालू यादव से लेकर छोटे भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को लेकर भी वो कई पोस्ट कर चुकी है। 25 जनवरी को उन्होंने इशारों में नीतीश के परिवारवाद वाले बयान पर हमला बोला था। हालांकि कुछ ही देर में उन्होंने तीनों पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। बिहार में इंडिया गठबंधन का क्या स्थिति लग रहा है आपको, पूरे बिहार के? बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिवली हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली लड़ाई कर रहे हैं हम लोग सबको के साथ, हम लोग का बहुत अच्छा है। आपकेटिविटी का हार हो गई। आपके केवल सोशल मीडिया से ही NDA काफी परेशान थी, अब आप खुद आ गई है मैदान। वही सोशल मीडिया से ही आप लोग हमको प्रोजेक्ट कर दिए थे कि आएंगे राजनीति में, तो यहाँ लोग राजनीति चुनता है, राजनीति मुझे चुन लिया यहाँ। सब आप लोग की देन है, ये मीडिया की देन है कि आज रोहिणी बिहार की बेटी आज राजनीति में आ गई। इनका साफ कहना है
कि सारण की जो बेटी है वो मैदान में आ गई है और अब सामने कोई नहीं टिकेगा। सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य के उतरने के बाद बीजेपी, आरजेडी और लालू यादव के परिवारवाद पर हमलावर है। रोहिणी को सारण से टिकट दिए जाने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि छपरा और बिहार की बेटी जो लालू परिवार में बहू थी, उस बेटी को लालू यादव और उनके परिवार ने प्रताड़ित किया और अपमान किया। बेटी ऐश्वर्या का अपमान पूरे बिहार की बेटियों का अपमान है। पहले इंसाफ दे, फिर चुनाव लड़े। ऐश्वर्या का क्या दोष था, क्यों अपमान किया गया उस बेटी ऐश्वर्या को जो बहू के रूप में घर में सात फेरा लगा करके सम्मान से आई थी, धक्के देकर बाहर क्यों किया गया, क्यों उस बेटी को जलील किया गया, तलाक के लिए विवश किया गया। वो छपरा की धरती की बेटी है, आप तो अपने पिता की धरती गोपालगंज से आई है। छपरा की बेटी माँ, हर लोग वहां पूछेगा इसका क्या जवाब है, क्यों रोहिणी आचार्य जी मौन थी, क्यों अपने भाभी का अपमान हो रहा था और आप उसके पक्ष में आकर के खड़ी नहीं हुई। वहीं रोहिणी आचार्य को चुनाव मैदान में उतारे जाने पर बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि टिकट बेचने में लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, पहले अपनी बेटी की किडनी ली और उसके बाद लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। अब सम्राट चौधरी ने लालू यादव की तरफ से बेटी को टिकट दिए जाने पर परिवारवाद को मुद्दा बना लिया। लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया, यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। लालू जी ने दो बेटा दो बेटी को तो उतार दिया, हमारी पांच बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो पागल। रोहिणी आचार्य हमेशा से ही सोशल मीडिया पर काफी मुखर रही हैं। वो किसी को जवाब देने में पीछे नहीं रहती, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर सम्राट चौधरी। जैसे ही सम्राट ने यह विवादित बयान दिया, रोहिणी ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते, एक बेटी के अपने पिता के प्रति समर्पण, दायित्व पर उलूल जुलूल, अमर्यादित बयानबाजी, दिमागी तौर से गड़बड़ लोग ही करते हैं। दिमागी दिवालियेपन का इलाज जनता के पास है, ऐसे लोगों का इलाज जनता जल्द ही कर देगी। सारण लोकसभा सीट से एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य जनता के बीच हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में सारण सीट पर कब्जा करने वाले राजीव प्रताप रूड़ी पर ही तीसरी बार भरोसा जताया। राजीव प्रताप रूड़ी ने भी मंगलवार को छपरा शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। रूड़ी ने चुनावी संवाद का आगाज करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। चुनावी राजनीति की बात की जाए तो महागठबंधन के उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य को रूड़ी किसी भी तरह से अपना प्रतिद्वंदी मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक नॉमिनेशन नहीं हो जाता उन्हें प्रतिद्वंदी नहीं मानना होगा। प्रत्याशी होगा हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछला चुनाव में जब लालू जी से लड़ा उसके बाद से लालू जी के प्रतिनिधि से लड़ा, कोई हमें 5 साल तक क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। उसके बाद राबड़ी देवी जी से चुनाव लड़के हम जीते, मुझे 5 साल तक कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई दिया जो जनता की सेवा में है। उसके बाद उनके समधी से हमारी लड़ाई हुई, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले आए, चुनाव के बाद हमारा कोई संवाद उनसे नहीं बना। और मुझे लगता है कि जब नामांकन हो जाएगा तब अगर मुझे प्रत्याशी के बारे में पूछेंगे तो मेरे लिए सहूलियत होगी, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है और पारिवारिक पार्टियों में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें हम किसी कैंडिडेट के बारे में कोई चर्चा कर सके, इसलिए मुझे जानकारी नहीं। दरअसल सारण लोकसभा सीट लालू यादव और राबड़ी देवी से चुनाव लड़ने के बाद उनके समधी चंद्रिका राय से भी राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव में 2004 और 2009 में लालू यादव से चुनाव हारने के बाद छपरा से 4 बार सांसद रह चुके राजीव प्रताप रूड़ी इस बार भी चुनाव मैदान में हैं और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। 1999, 2014 और 2019 में छपरा से सांसद रह चुके रूड़ी की लड़ाई हर बार लालू के परिवार से ही रही है और इस बार भी उनकी लड़ाई लालू परिवार से ही है। आखिर क्या है लालू परिवार और रूड़ी के सारण लोकसभा सीट से राजनीतिक लड़ाई का इतिहास, ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है।
वहीं सारण के रण में इस बार मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। वहीं रोहिणी के उम्मीदवारी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है। राजद की तरफ से खासकर लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के सदस्यों को टिकट देना कौन सी नई बात है। इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने देखा है कि अच्छे अच्छे नेताओं को राजनीतिक बलि देनी पड़ती है ताकि परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़ने का मौका मिल सके या कोई संवैधानिक पद मिल सके। ऐसी पार्टियों के लिए परिवारवाद वंशवाद सबसे अहमियत रखता है। बीजेपी को हमलावर होना चाहिए उन लोगों पर जो लोग अपने सब लोगों को टिकट दे रहे हैं, चाहे बहनोई हो चाहे बेटी है, सबको टिकट दे रहे हैं, उस पर कहे ना हमलावर हो रही है। दही जम जाता मुंह में, कोई हिस्सा नहीं है परिवार का, लम्हा है। यहाँ हर चुनाव में यदुवंशी और रघुवंशी ही आमने सामने होते हैं। कोई तीसरे वर्ग का व्यक्ति भले ही लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना दे, लेकिन सांसद बनने का गौरव अब तक इन्हीं दोनों में से किसी एक को हासिल होता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जातीय गोलबंदी थी। वोटर इस लिहाज से दो खेमे में बटे थे। राजद व जेडीयू खेमे के वोटर्स में बिखराव का फायदा मोदी लहर को मिला और राजीव प्रताप रूड़ी चुनाव जीत गए। सारण लोकसभा सीट पर वैसे तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की गहरी पकड़ मानी जाती है, लेकिन साल 1996 से अब तक बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी इस सीट पर चार बार जीत हासिल कर चुके हैं। रूड़ी ने लोकसभा चुनाव 2014 में लालू प्रसाद यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया। इसके बाद 2019 में भी इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा। इस बार के चुनाव में एनडीए के बीच सीट बंटवारे में सारण लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में आई और बीजेपी ने रूड़ी को सारण से तीसरी बार मौका दे दिया। अगर सारण के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो सारण लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें मरहोरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर शामिल हैं। इनमें से 4 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है, वहीं 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 2019 में राजीव प्रताप रूड़ी ने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाते हुए 51% वोट हासिल किए थे। 2019 में रूड़ी ने करीब 1.40 लाख वोटों के अंतर से आरजेडी के उम्मीदवार चंद्रिका राय को मात दी थी। सारण लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 12,68,338 है। इसमें 5,80,605 महिला मतदाता हैं, वहीं पुरुष वोटर्स की आबादी 6,87,733 है। सारण में जातीय समीकरण भी दिलचस्प है। सारण में यादवों की आबादी 25% और राजपूतों की 23% है। आरजेडी यादव और बीजेपी राजपूत जाति के उम्मीदवार उतारती है। इनके अलावा सारण में वैश्य वोटर 20%, मुस्लिम 13% और दलित 12% हैं। बिहार की राजनीति में लालू परिवार के दखल के कारण सारण लोकसभा वीआईपी सीटों में गिना जाता है। नए परिसीमन के बाद 2008 से सारण लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। इससे पहले ये सीट छपरा लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में 25 मई को सारण में मतदान होगा और 4 जून को पता चलेगा कि सारण की जनता किसे चुनकर 18वीं लोकसभा में भेजती। सारण से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।